साथ देता है। 16 को हमने पिटी दिया दरोगा का, 11 को मेंस हुई, फाइनल जाके सेलेक्ट हो गए 2 को, इसके पहले भी 2 को। अरे अरे कितना गिना है, कितना के फोटो चिपकाएंगे, वो मेरा दीवार कम पड़ जाएंगे। अब अगर इतना भी देखना है तो देखिए मेरा एक बैनर भी नहीं लगा रहता है। आते हैं लोग यहाँ तो चले जाते हैं 4G में आने के लिए, यहाँ पे 4G बहुत सारे स्टूडेंट 4G वाले के लिए चले जाते हैं। बहुत सारे रिविजन लोग कहते हैं रिविजन कहाँ है, रिविजन के मतलब विजन में चले जाते हैं, विजन में चले जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बॉर्डर लगा, बोर्ड लगा दीजिए सर, बोर्ड की जरूरत नहीं है, वो आएंगे। आप मेहनत करिएगा पहाड़ पर ही जाके, बहुत सारे उतना छोड़िए ना, बहुत सारे टीचर मेरे पास आए और क्या कहे कि सबसे पहले रूम मालिक से ना आप बॉन्ड बनवा लीजिए कि हम यहाँ कोचिंग इतने साल तक चलाएंगे। हम कहें कि जी नहीं, जब तक उनको मर्जी होगा तब तक यहाँ रहेंगे, आज जिस दिन ना कहेंगे तो जाके सोन में पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, सोन में पढ़ाएंगे। आप में क्वालिटी होगा वहां जाएंगे बच्चे। रूम मालिक ही पैसा देते हैं 10-10 महीने पर देते हैं, वो भी बोलने नहीं जाते हैं, बच्चा दे चाहे नहीं दे, वो देगा ही एक दिन एक दिन। आप मेहनत कर रहे हैं देंगे ही। बहुत बहुत बार रूम मालिक बोले आप कहे के लिए चला रहे, हम कहे कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, ये मेरा फोटो नहीं आपका बिल्डिंग का फोटो विदेश में देखेगा लोग, हम देख रहे हैं लोग। अभी जो ग्रुप डी, अभी इसके पहले जो बिहार एसएससी 4 वो स्टूडेंट जो हुए उसका जब रिजल्ट आया था थोड़ा सा हमने बोला भी था, बीपीएससी के खुद इस बार 10 को पिटी हुआ। तो एक मेरा दोस्त रहता है सऊदी अरबिया और उन्होंने चैनल पर देखा वीडियो तो बोला कहाँ चलाते हैं आप। हम कहे कि आप क्या जानेंगे, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के दाऊद नगर में एक सतीश सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उन्हीं का मकान में चलाते हैं, अच्छा उन्हीं का बिल्डिंग है, बताइए तो सऊदी अरबिया देख रहे हैं कि नहीं, बिल्डिंग के देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ज्यादा नहीं 6 महीने और मेहनत करने दीजिए, ज्यादा आपसे वक्त नहीं लेंगे 6 महीना में। अगर 6 महीने में लाइन नहीं लग गया ना स्टूडेंट को, लाइन नहीं लग देगा ना, तो मेरा नाम चक्रवर्ती नहीं, अरे करते नहीं करते हैं कल के कल। अरे आप लोग खाली गाना पर डांस करते हो, मैट पर डांस होना चाहिए। आते हैं उनके माँ ने फोन किए, पिताजी नहीं है, बोले कि सर फीस है कितना है, बोले 300 रुपया। आप बताए 300 रुपया उनके लिए पहाड़ हो गए, पिताजी नहीं है, 1 रुपये के लिए कभी तरसते हैं लोग, बोले सर फीस ज्यादा है कितना हमसे लीजिएगा, हमें कितना नहीं लेंगे, आपको जितना देना कितना है, अब आप जो बुझाएगा सो करिएगा, अगर नहीं भी देने के मन हो फिर भी बुलाइएगा। वो लड़की लेकर के 3 महीने का फीस 600 रुपया लेकर के आते और मैंने 600 का 600, मेरे पास उस दिन ढोकरे में 1 रुपया नहीं था, ढोकरे में 1 रुपया नहीं था और मुझे बहुत जरूरी काम था, फिर भी 600 रुपया हाथ में लेकर के और मैंने रिटर्न कर दिया उसको। जाइए इसी माँ को जाकर दे दीजिएगा, लेकिन आप बट पढ़िए, अब आपको तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपको जॉब नहीं होता है, आप छोड़ देंगे उसका गारंटी नहीं, लेकिन आप पढ़ते रहिए, जॉब लेकर के यहाँ जाइए तब फीस मेरा दीजिएगा। और ये है देखिए वो लड़का खड़ा राहुल, इन्हीं का बगल के है, माँ ने उनका फोन किया सर आप पैसा नहीं रखे, पैसा नहीं आप इतना लिए, आप भी एक माँ समान है दुआ दीजिए। तो चलिए बोलने के लिए बहुत कम पड़ जाता है हमको, जब बोलने लगते हैं तो आज तो पूरा हाथ और जो है से माइंड में खुजली हो रहा है सुबह से। लोग इतिहास रखते हैं ना, लोग इतिहास रचते हैं, लेकिन मैं भूगोल रच दूंगा भूगोल, याद रखिएगा आप लोग। जय हिंद जय भारत। हम लोग के बीच में एक हमारे जो इस कोचिंग को खोलने में पूरी पूरी सहयोग और मोटिवेट किया है, तो आओ।